जी अब हम होटल पे पहुंच चुके हैं। अब जी यहाँ पे रात का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। पीछे आपको होटल नज़र आ रहा होगा, जाके रूम शूम खोलते हैं। चाबी इधर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे होटल के कमरे के बाहर से व्यू। ये यहाँ पे कोई शादी बुकिंग हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ तंबू शंबू लगा दिए हैं। अब तो रात में तो नज़र ही कुछ नहीं आता। बस वैसे व्यू अच्छा है, हमारी आंखों को नज़र आ रहा है, कैमरे को कोई नहीं नज़र आ रहा, खसी कैमरे। बाकी होटल सेक्सी है, इस सेक्सी पे कॉपीराइट ना आ जाए बस। हाँ जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहा है और हम इधर होटल के बाहर अब खड़े हैं। पिज़्ज़ा मंगवाया था एक बंदे से, यहाँ पे डिलीवरी भी हो जाती है भाई, तो तकरीबन पिछले 2 घंटे से जलील कर रहा था भाई, निकल रहा है भाई, निकल रहा है भाई, निकल रहा है। अब मेरा ख्याल है आ रहा है, मेरी नज़र उसकी तरफ ही है भाई, एक नज़र तो आ रही है, तो देखते हैं अल्लाह करे वही हो गए भाई। वो है इधर से आएंगे भाई जान। आपने आज जलील कर दिया ये फाइनली जो है ना, ये 2 घंटे बाद ही पिज़्ज़ा लेके आ रहे हैं। अल्लाह जाने पता नहीं कैसा होगा भाई, ये गर्म भी होना है कि नहीं, मुझे लग रहा है ये बर्फ पिज़्ज़ा होना है। अभी गर्म है, डब्बे भी गर्म है, गर्म है बाबा जी। चल ना खोल यार, ठंडे हो जाए। अच्छा जी, पिज़्ज़े पुज़े खा लिए हमने। वैसे किसी ने काम के थे, ऐसे लग रहा था जिस तरह वो सादी रोटी के ऊपर ना कोई थोड़ी बहुत चीज़ लगा के ना ऊपर, बस गोश्त तो उसके ऊपर था नहीं भाई, चिकन तो लगा ही नहीं हुआ था, ओलिव ही थे मुझे लगता है, ओलिव इन्होंने यहीं पे खुद उगाए हुए हैं जो इतने ज़्यादा लगा के भेज दिए। बाकी खैर अब तो बस हो गई, अब सोने लगे तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। यहाँ पे जी हमारा ऑफिशियल जो जिसे कहते हैं जी फर्स्ट डे जो है वो एंड होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम उठ चुके हैं और नहा धो के जो हैं वो फ्रेश हो गए हैं, अब हम निकल रहे हैं। अब आगे की डेस्टिनेशन मेरा ख्याल गंगा चोटी है, तो वो बाकी आपको रास्ते में बताता हूँ। और इसके अलावा यार जो पीछे होटल आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है इज़ाबेला रिज़ोर्ट गेस्ट हाउस। ठीक है, ये आपको ड्रीम वैली रिज़ोर्ट जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने की तरफ है। तो अगर आप इधर आते हैं रावला कोट में, तो एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पे आइएगा, तो दुआएं देंगे आप भाई को। तो मतलब इतना अच्छा होटल और इस प्राइस में, मुनासिब प्राइस में आपको मेरा ख्याल है यहाँ पर नहीं मिलेगा इस व्यू के साथ भी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्यू है। अस्सलाम वालेकुम, ये तो यहाँ ये टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे किसी की शादी है, किसी ने बुकिंग करवाई है। ये देख लें, बहुत अच्छे रूम्स हैं, साफ़ सुथरे बाथरूम। ये सामने व्यू, और सामने छोटी सी एक लेक भी है। ये एक मिनट, ये देखें, वो सामने छोटी सी एक लेक भी है। ये जी वापसी की तरफ चलते हुए, कहीं भी कोई टक शॉप नजर आए ना रोक देना उस पे। अच्छा फारिक भाई, हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या है? सर इंशाल्लाह सुदन गली। फाइनल सुदन गली, यस। डेस्टिनेशन नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी सुदन गली।
बेटे किस जगह से आए हो, इधर तो यू टर्न भी नहीं होता। बरसी हो गई पीछे वो जरा वीडियो में। अच्छा जी, अब हम जो है किसी होटल में रुके हैं। यहाँ पे इसका नाम है मेरा ख्याल गुजरांवाला समथिंग कुछ इसका नाम है। तो हम यहाँ पे रुके हैं, आगे फिर यहीं पे गाड़ी छड़ियाँ सामान वगैरह तो यहीं पे उतार के आगे फिर आगे चला जाना है गंगा चोटी। तो बाकी के व्यू आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। और ये होटल का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। एक ये रूम लिया है, एक उधर, सारे उधर बैठे हैं। ये उसके बाहर का व्यू है, क्या बात। बाकी फिर अब उधर जाते हैं तो आपको वहां पे मुलाकात करते हैं। ओके बाय। हाँ जी जी, ऊपर ये पहुंच गए। पहले हम सोच रहे थे कि वो नीचे से गाड़ी करवा लें दूसरी जीप, लेकिन फिर हम अपनी गाड़ी ही ले आए हैं। अब हम चढ़ने लगे हैं ऊपर, तो ऊपर के नज़ारे आपको जाके दिखाते हैं। ठीक है ये जी, हम भी हैं इस ग्रुप में आज, श्याम भाई। ये ऊपर जाना जी, अभी तो कह लें जी 1% हुआ और बहुत सांस फूल गई है यार। यहाँ पे आके पता लगता है आपकी हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ। ओह माय गॉड, ये अभी 1% ऊपर चढ़े हैं और ये व्यू है।
उस रोड से हम आए हैं। हाँ जी फाइक साहब हमारे साथ हैं, बाकी वो सारे उधर घोड़ों पे हैं साईं। हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। वो बिल्कुल ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी तो। अभी और ऊपर जाना है, थोड़ा रह गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थक रहे हैं हम, ऑक्सीजन कम है। हालांकि ट्रैक तो एक दो दफ़ा पहले भी किए हैं बर्फ़ में भी, लेकिन ये इधर यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा है, वापस सांस डाली नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। खैर चढ़ते हैं ऊपर तो आगे व्यू दिखाते हैं। बाकी ये 50% मेरा ख्याल हो गया हुआ है यहाँ के व्यूज़। बादल ऐसा ऐसा नीचे आ रहे हैं, बारिश का भी मुझे मौसम लग रहा है होने वाला है। एक मिनट, ये ऊपर आ चुके हैं, तकरीबन 70% हो चुका है। व्यू व्यू है हेलो जी, ऊपर पहुंच चुके हैं, ये हमारा स्क्वाड जिनके साथ हम आए हुए हैं, ऊपर पहुंच चुके हैं, अब आराम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं, एक वो ऊपर पॉइंट है वो जो अगर आपको नजर आ, लेकिन वो काफ़ी स्टीप है, हम थक चुके हैं, मेरी टांग में और गर्दन में बल पड़ गया है। ये फाइक साहब है, ये आपको दिखाते हैं व्यू पीछे के, यार ये मेरी स्क्रीन थी जहाँ हम बैठे हुए हैं।
ये व्यू खूबसूरत है मुदे गैस भी रिलीज हुई है साथ वापस नीचे की तरफ परमिशन तुमने बना ली है वापस नीचे जा रहे हैं यार बस हो गई है।